नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभा कपिल और अपने चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में करती हूँ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि गणेश उत्सव स्टार्ट होने वाला है, तो इसी अवसर पर मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स से मोदक की रेसिपी। तो इससे पहले कि मैं ये रेसिपी स्टार्ट करूँ, मैं आप सबको अपने और अपने परिवार की तरफ से गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स की ओर। आप देखिए कितने कम इन्ग्रीडियंट्स मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मावा, यह है 1.5 कप मावा, और मेन इंग्रेडिएंट तो यही है। और साथ में मैं जो शुगर सिरप बनाऊंगी उसके लिए मैंने लिया है ये 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी, साथ में लगभग 2 चम्मच ये है देसी घी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने रखा एक पैन गैस स्टोव पर। सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप। इसके लिए मैंने लिया है ये चीनी 1/2 कप और 1/2 कप यानी कि सेम क्वान्टिटी का पानी। ओके, अब मैं गैस स्टोव कर रही हूँ तेज, और इसको मिला मिला कर चीनी को मेल्ट करके बना रही हूँ मैं इसकी चाशनी। और ये बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनेगी, अच्छे से बस मेल्ट होने देते हैं पहले इसको और बना लेते हैं इसको जल्दी से। देख सकते हैं चीनी पिघलना शुरू हो गई है, घुलना शुरू हो गई है। और अभी मैं इसको थोड़ा गाढ़ा बना लेती हूँ, जल्दी से इसको मैं पकने देती हूँ। गैस स्टोव अभी फुल है, आप देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, और यदि आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, कश्मीरी केसर भी डाल सकते हैं, और यदि नहीं चाहें तो हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो मैं जरा चाशनी को थोड़ा सा और गाढ़ा कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाशनी हो गई हमारी तैयार। ये एक तार की चाशनी बनाई है, मुझे बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस इतनी जो हल्की सी चिपचिपी हो जाए, ऐसी एक तार की चाशनी बन गई। अब मैं गैस स्टोव को कर रही हूँ ऑफ, और इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमारा मिल्क पाउडर है इसको मैं डालूंगी, इसको डालती रहूँगी और मिक्स भी करती रहूँगी ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा मिल्क पाउडर इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये मिक्स किया, और इसी तरह से मैं सारा मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इसको जल्दी से कर देती हूँ मिक्स। अब लीजिए फ्रेंड्स, मैं गैस स्टोव कर रही हूँ ऑन, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच घी, बस इतना घी डाल रही हूँ देसी घी, और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ फिर से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस स्टोव मीडियम फ्लेम कर लिए। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी, कितना सॉफ्ट हो गया है इसका टेक्सचर, जैसे वो होती है ना व्हाइट वाली चॉकलेट वाली क्रीम वाली मिठाई। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा और पका लेती हूँ ताकि तब तक ये किनारे ना छोड़ने लगे, और फिर मैं आगे का प्रोसेस आपसे डिस्कस करूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, तो उसके बाद इसका बना देंगे हम मोदक। देखिए फ्रेंड्स, हार्डली 5 मिनट्स में ही ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, और देखिए मतलब हार्ड वैसे हो गया टेक्सचर, लेकिन बहुत ऐसे सॉफ्ट है, थोड़ा सा गर्म है ये। अब हमें क्या करना है, मैंने लिए हैं ये मोल्ड, ये मेरे मोदक के मोल्ड है। मैंने ये ऑनलाइन मंगाए थे, एक्चुअली मुझे मार्केट में मिल नहीं पाए थे। यदि आपको मार्केट में मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप भी ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं, और यदि ना मिले तो कोई बात नहीं, हम इसको हाथ से भी शेप दे सकते हैं मोदक वाली। तो फिलहाल मैंने ये मोदक के जो मोल्ड मंगाए हैं, मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी इसमें ग्रीस कर रही हूँ, देसी घी से मैं इसको ग्रीस किया थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा पिस्ता ले रही हूँ इस पर लगाने के लिए थोड़ा सा। और यदि आप चाहें तो पिस्ता लगा सकते हैं, और यदि नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, आप सिंपल लगा सकते हैं, और काजू या बादाम भी इसमें लगा सकते हैं। और इसको मैं इस तरह से कर रही हूँ बंद, और ये देखिए फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा मोदक बन के आएगा। इसको मैं इसमें थोड़ा सा और भर देती हूँ, और इसको ठीक से सेट कर देती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको सेट किया और मैं इसको धीरे से खोल रही हूँ। देखिए वाह, जो मैंने पिस्ता लगाया था ना साइड में, इसमें आ गया। इसको खोल, इसको निकालने के लिए कभी भी इसकी नोक की साइड से मत निकालिए, नीचे से इधर से ऐसे निकालिए धीरे से। आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन वाला मोदक बनकर तैयार हो, ये बहुत सॉफ्ट है, और जैसे ना वो होते हैं मिल्की बार चॉकलेट, बिल्कुल वाला टेस्ट इसका आने वाला है। इसी तरह से मैं और मोदक भी तैयार कर लेती हूँ। मैं इसको फिर से थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ घी से, और थोड़ा सा पिस्ता लगा लेती हूँ मैं इस पर। आप चाहे तो जैसे मैंने बताया बादाम या काजू भी लगा सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल इस तरह से भर रही हूँ, देखिए आराम से बन जाएगा। और ये मैं कर दूँगी इधर से बंद, इस पर थोड़ा सा पिस्ता इधर लगाया, और इसको मैं अच्छे से बंद करके और ये एक्स्ट्रा निकाला। और देखिए अभी इसमें अंदर स्पेस है ना, इसकी कैविटी को अच्छे से फिलअप करके और सेट करके निकाल लेती हूँ।
तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेट किया और मैं इसको खोलती हूँ इस सांचे को। वाओ, दिस इज़ गुड। ओके, इसको मैं निकाल लेती हूँ धीरे से बाहर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है। इसी तरह से मैं और मोदक भी तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये डिलीशियस से और क्यूट से मेरे मोदक बनकर तैयार हैं। आपने देखा इसको बनाने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट भी शायद मुश्किल से नहीं लगे। और इसको बनाना कितना आसान है, और ये अट्रैक्टिव तो है ही। आप अपने गणेश जी को इसको बनाकर खिलाइए, भोग लगाइए और गणेशोत्सव मनाइए। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स हाँ, यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे बहुत तरह के बहुत ईजी मोदक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद मी। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।